हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये कमेंट पर बेस्ड है और कमेंट किया है हर्षिता कनौजिया ने। इन्होंने लिखा है, सर फिल्म की तो स्क्रिप्ट तो सेल हो जाती है, लेकिन अगर किसी के पास टीवी सीरियल की स्टोरी का आइडिया है और लिखा हुआ भी है तो क्या उसकी भी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी प्रोड्यूसर को दिखाने से पहले? तो देखिए, आपका सवाल यह है कि जब आप फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो प्रोड्यूसर को दिखाने से पहले आपको पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी पड़ती है। अब टीवी सीरियल्स जो है वो तो सालों साल चलती है, उसमें कई एपिसोड्स होते हैं, तो क्या प्रोड्यूसर को दिखाने से पहले आपको टीवी सीरियल की भी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है? अगर आपके पास भी एक आइडिया है जो टीवी सीरियल के लिए है, या फिर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है जो टीवी सीरियल के लिए है और आपको भी ये डाउट है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर हमेशा आती रहती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है दृश्य फिल्म्स, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको हमारी वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स और फैशन वाली बीवी कॉमेडी वेब सीरीज की आने वाले एपिसोड भी देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए उस चैनल को भी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या टीवी सीरियल्स की भी स्क्रिप्ट को आपको लिखना चाहिए प्रोड्यूसर को दिखाने से पहले। देखिए, अगर आप फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि फिल्मों की आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो 2 घंटे की होती है, या फिर 2.5 घंटे की होती है, या मैक्सिमम 3 घंटे की होती है, तो आप उसकी स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं। और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप प्रोड्यूसर के पास जाते हैं और आपकी स्क्रिप्ट रेडी नहीं है तो प्रोड्यूसर फिर आपसे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर टीवी सीरियल के लिए लिखते हैं, आपको टीवी सीरियल के लिए एक आइडिया है, आपके मन में एक कॉन्सेप्ट है टीवी सीरियल को लेकर के, तो आपको क्या करना है, आप उसकी वन लाइनर स्टोरी रेडी कर लीजिए। वन लाइनर स्टोरी अगर आप रेडी कर लेते हैं तो उसमें आपकी स्टोरी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो कहाँ एंड हो रही है, उसकी मिडिल पार्ट क्या होगी, क्या क्या बाधाएं आएंगी, कैसे वो बाधाएं सॉल्व होंगी, वो सभी चीज़ें लिखी हुई रहेंगी। तो आप वन लाइनर स्टोरी रेडी कर लीजिए, स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिए कि जब आप टीवी सीरियल के लिए प्रोड्यूसर को अप्रोच करते हैं तो आपके पास आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट का वन लाइनर स्टोरी होना चाहिए। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को वन लाइनर स्टोरी लिखना नहीं आता होगा, तो आप में से बहुत सारे लोग जो वन लाइनर स्टोरी के बारे में नहीं जानते हैं या फिर स्क्रिप्ट लिखना नहीं जानते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से भी सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाती है, कंप्लीट स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें अभी ऑफर भी चल रही है, तो आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमें ऑफर के बारे में पता कर सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। एनीवे, जब आप टीवी सीरियल के लिए लिखते हैं कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया, तो आपको जस्ट उसका वन लाइनर स्टोरी रेडी कर लेना चाहिए, आपको स्क्रिप्ट रेडी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, टीवी सीरियल्स की बात करें तो जब वो पास होती है चैनल्स वालों के द्वारा, तो फिर उसकी मिनिमम आप मान के चलिए 60 एपिसोड्स रेडी करने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि किस चैनल की है, वो चैनल टू चैनल डिपेंड करता है, लेकिन एक एवरेज अगर देखी जाए तो लगभग 60 एपिसोड जो है उसकी स्क्रिप्ट रेडी होती है, उसकी शूटिंग होती है, उसकी एडिटिंग होती है, तो लगभग 60 एपिसोड्स को शूट करके रेडी कर लिया जाता है, चैनल पर सबमिट किया जाता है, उसके बाद उसे टेलीकास्ट किया जाता है। लगभग इतने ही एपिसोड्स रेडी किए जाते हैं, लेकिन हाँ, ये डिपेंड करती है चैनल्स पर भी। हो सकती है कि कोई ऐसी प्रोडक्शन हाउस हो जो बहुत ही जानी पहचानी प्रोडक्शन हाउस है, तो वो अगर 10 एपिसोड भी रेडी करके देंगे चैनल्स को तो वो ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करती है प्रोडक्शन हाउस पर भी और चैनल्स पर भी डिपेंड करती है, उनके बीच के रिलेशनशिप पर भी डिपेंड करती है, तो ऐसा होता है। कीजिए, लेकिन अगर आप एक राइटर है तो आपको पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है टीवी सीरियल के लिए, आप जस्ट उसकी वन लाइनर स्टोरी रेडी कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।